नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही मनपसंद YouTube चैनल पे। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। आज जैसे आपको पता है कि 40 डेज हो चुके हैं, 40 दिन हो चुका है, और आज मैं आपके बीच में एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने के बाद हर आदमी की ख्वाहिश होती है। वो आदमी की ख्वाहिश क्या होती है कि पहले तो पैसा, पैसे के बाद जो सबसे बड़ी चीज होती है कि पैसा तो आ जाए, लेकिन पैसे से भी बढ़कर के जो होता है वो होती है पहचान और प्रसिद्धि, नेम और फेम। हर डायरेक्ट सेलर ये सोचता है कि ऐसा हम क्या करें कि लोग मुझको पहचाने, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नाम के साथ साथ पहचान बहुत तगड़ा देती है, पैसा बहुत देती है। ऐसा हम क्या करें कि हम फेमस हो जाएं? तो आज का मेरा टॉपिक ही यही है कि हम ऐसा कुछ करें कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में हम फेमस हो जाएं, जिस भी सिस्टम में आप काम कर रहे हैं उसमें टॉप अचीवर हो जाएं, आपकी पहचान सिर्फ आपकी ही कंपनी तक ना रहे बल्कि एंटायर पूरे भारत में आपकी पहचान हो जाए। तो ऐसे कुछ टॉपिक पे मैं आपके बीच में डिस्कस करने वाला हूं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर के मैंने एक मुहिम स्टार्ट की है कि रोज एक नए नए टॉपिक आपके बीच में लेकर के आऊंगा। एक से लेकर के आज 40 दिन हो चुके हैं, 50 दिन ये वीडियो मैं आपके बीच में लेकर के आऊंगा इस तरीके के सेगमेंट, क्योंकि उसमें बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम किए कैसे जाता है, कैसे हम टॉप अर्नर बन सकते हैं, कैसे हम अपनी पहचान बना सकते हैं। और आज का मेरा जो टॉपिक है वो यही है कि कैसे अपने आप को फेमस करें अपनी कंपनी में, अपने लोगों के सामने। ऐसा हम क्या करें कि हम कुछ अलग करके दिखाएं। तो आज का टॉपिक ही है, जैसे आप देख पा रहे हैं, कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसा हम क्या करें कि हम फेमस हो जाएं। तो जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि फर्स्ट मैंने जो सेगमेंट लिखा हुआ है उसमें है कि आप अपनी अपलाइन को सुने, क्योंकि देखिए आपका एडिफिकेशन आपकी अपलाइन, आपकी टीम, आपकी कंपनी सब करेंगे, लेकिन जितने ज्यादा आप सुनेंगे, अपनी अपलाइन को सुनिए, कंपनी के लोगों को सुनिए, मैनेजमेंट के सुनिए, जो वो कहते हैं उनकी बातों को सीरियस तरीके से सिर्फ सुनिए ही नहीं, उसे अपने बिजनेस में अप्लाई भी कीजिए। दूसरा आता है कि अपनी जो टीम है, जो आपकी टीम है, जिसको आप डाउनलाइन कहते हैं, लव लाइन लाइफ लाइन कहते हैं, और जिसे कहते हैं आप अपनी सबसे मजबूत कड़ी, वो है आपकी टीम। और टीम की जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको फेस करने में, उनको ध्यान से सुने और उस चैलेंजेस को दूर करने का भरसक प्रयास करें। जितना हो सकता है यथासंभव आप उन चैलेंजेस को आप दूर करने का प्रयास करें। इसके बाद आती है टीम के प्रति आप जवाबदाही हों। आपकी टीम के प्रति जो भी समस्याएं हैं, जो भी चैलेंजेस आ रही हैं, उनको आप फेस करें और उसके प्रति अकाउंटेबल रहिए। जवाबदेही अपनी बनती है। अगर वो सक्सेस होती है तो उसका क्रेडिट उनको दीजिए, अगर वो फेल होती हैं तो उसका क्रेडिट स्वयं को दीजिए कि आपकी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें मिस हुई, कुछ ऐसी चीजें जहां पर आपको वर्क करना था वहां पर आप नहीं कर पाए। इसके बाद जो आता है वो है टीम से दिल से बात करना। टीम से जब भी आप बात करें तो दिमाग से नहीं, आप दिल से बात करें, हमेशा उनके भले के लिए बात करें, हमेशा उनको एक सही गाइडेंस दें, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा शख्स आपके साथ सिस्टम में शामिल हो गया हो जो अभी वर्क ना करें, लेकिन रिलेशन उनसे ना खराब करें, आने वाले समय में वो आपके साथ होंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल आपकी सक्सेस, आपका नेम, आपकी सक्सेस देख करके वो आपके साथ जरूर फिर से स्टार्ट करेंगे। देन इसके बाद है टारगेट लें, अपना भी टारगेट लें, अपनी टीम का भी टारगेट लें और उसको अचीव कराएं। और इसके बाद लास्ट वन आता है कि काम को अलग तरीके से करें। आप पूरी कंपनी के अंदर में कुछ ऐसा सोचें, कुछ ऐसा क्रिएट करें जो कोई ना किया हो, कुछ नई चीज स्टार्ट करने का पहल करें, अपनी अप्लाइंस से डिस्कस करें कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं और उसको लेकर के आप क्रिएट करें। डिजिटल मार्केटिंग का बहुत बड़ा सहारा लें, क्योंकि जितना ज्यादा आप डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लेंगे उतना आप सक्सेस के करीब जाएंगे, क्योंकि वहां बहुत सारे लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे बहुत ही कम टाइम में। अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग लोग आपके पास में आएंगे, अलग अलग अनुभवी लोग आपके साथ में आएंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग का जरूर सहारा लें, सोशल मीडिया का सहारा लें। जितना ज्यादा आप इसमें एक्टिव रहेंगे, आप और आपकी टीम आपसे उतना हम्बल हो पाएंगी। जो भी शख्स आपके टीम में आ रहे हैं उनको वॉच करते रहें, उनके साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप बनाएं, क्योंकि रिलेशनशिप का ही पूरा का बिजनेस है। इस पर मैंने कई वीडियो और दे चुका हूं। तो ये वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आप फेमस होना चाहते हैं तो अपनी कंपनी में बहुत ही कम टाइम के अंदर में कुछ ऐसा अचीव कर डालें जो लोगों के लिए सपना बना हो।
और वो आपके लिए सच हो जाए। आप उसको सच करके दिखाएं, जब आप सच करके दिखाएंगे तो एज ए रोल मॉडल लोग आपको फॉलो करेंगे। तो यही मैसेज है कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आइए और धूम मचा दीजिए। धूम कैसे मचाएंगे? अपने अचीवमेंट से, अपने काम करने के तरीके से, अपने सोचने से, और कुछ नए नए ट्रिक्स अपनाते जाइए। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने ग्रुप में, ताकि बहुत सारे लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें। कल एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच में फिर से आता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।